एक दिन उनके बाप ने कहा कि बेटे, तुम जो गुलाम खरीद रहे हो, ये गुलाम तो बहुत ही नहीं कमजोर किस्म के हैं, अगर खरीदना है तो थोड़ा मजबूत ताकतवर देख के खरीदो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अबू जान, मैं ये जो खरीद रहा हूँ, इस एहसान का बदला मुझे दुनिया में नहीं चाहिए, मैं तो अपने रब से सौदा कर रहा हूँ, इसका बदला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा, दो तस्वीरें देखी होंगी आपने, एक इंसान की है और एक इमारत की है। वो इंसान कौन है, मैं अभी उनका तारुफ कराऊंगा, और हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं उसको, उनको। ये इमारत, ये लंदन शहर की एक इमारत है जो पहले थिएटर हुआ करती थी, इंटरटेनमेंट का एक स्पॉट हुआ करता था, और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनने जा रही है। मैं इस इमारत की तारीख़ बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस नए काम में जो शख्स आगे आया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम जो है आसिफ अज़ीज़ है, लंदन के रहने वाले हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं। इन्होंने इस बिल्डिंग को ख़रीद करके, इस इमारत को ख़रीद करके, कोर्ट से इजाज़त ले करके मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया है, जिसमें तकरीबन 400 लोग एक साथ नमाज अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। इस आसिफ अज़ीज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की याद ताज़ा कर दी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की याद ताज़ा कर दी। मैं मुख्तसर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को वाक़िया बताऊँगा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मोहतरम शख्स आसिफ अज़ीज़ ने उस याद को ताज़ा कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मक्के में, आप जानते हैं, ईमान लाने के बाद कितने मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे, और जब कुछ दिन और दावत का काम बहुत तेज़ी से कर रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, आप जानते हैं, उनकी दावत पर बहुत सारे लोगों ने ईमान कबूल किया है। तो एक वक्त आया मक्के में जब ग़ुलाम लोग ईमान लाना शुरू किए, तो कुफ्फार व मुशरिकीन उनके पीछे पड़ गए। बड़े लोगों को तो हाथ नहीं डालते थे, बुरा भला तो कहते थे, लेकिन जब बेचारे ग़ुलामों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तो उन पर सख्ती, तरह तरह की सख्तियाँ होने लगी। ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का, आप जानते हैं कि वो जो है उनका आका जो है उनको किस तरह सताया करता था, रेत पर किस तरह लिटा देता था, क्या क्या करता था, उस टॉपिक पर मैं और बात कर चुका हूँ, अगर इंशाल्लाह करूँगा। तो जब ये परेशानी और ये शिद्दत की तकालीफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने देखी, तो उनसे रहा नहीं गया। तो क्या करते थे, आप जानते थे कि वो ताजिर थे, वो क्या करते थे कि लोगों को ख़रीद खरीद कर, ग़ुलामों को ख़रीद खरीद कर, मुसलमान ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया करते। एक दिन उनके बाप ने कहा कि बेटे, तुम जो ग़ुलाम खरीद रहे हो, ये ग़ुलाम तो बहुत ही नहीं कमज़ोर किस्म के हैं, अगर ख़रीदना है तो थोड़ा मजबूत ताकतवर देख के ख़रीदो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अबू जान, मैं ये जो ख़रीद रहा हूँ, इस एहसान का बदला मुझे दुनिया में नहीं चाहिए, मैं तो अपने रब से सौदा कर रहा हूँ, इसका बदला मुझे अपने रब से चाहिए। तो ये उनके अंदर जो है, जो सिफत थी, आज वो आसिफ अज़ीज़ के अंदर दिख रही है। इतनी बड़ी इमारत को उन्होंने 288 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा है, और ख़रीद करके मस्जिद के लिए वक्फ़ कर रहे हैं। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब जानते हैं आप लोग कि सब लोग जो है मदीना हिजरत करके जाते हैं सब मुसलमान, तो वहाँ पानी पीने के लिए कोई अच्छा बेहतर सिस्टम नहीं होता है, तो एक कुआँ होता है जिसको बहर रूमा के नाम से जाना जाता है, वो यहूद का होता है, एक यहूदी का, उससे वो पैसा लेता है लोगों से कि उसके बदले में हमको पैसा चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, जिसकी वजह से एवज में वो पानी देता था। तो लोग यहाँ से गए, तभी हिजरत करके, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो बड़ी मुश्किल होती थी पानी पीने में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई कौन है जो इसको ख़रीद करके जो है लोगों के लिए वक्फ़ करे? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उस यहूदी से बात की कि आप जो मुझे बेच दीजिए। तो उसने, वो तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे उसकी कमाई जुड़ी थी, पैसा लेता था, बड़ी मुश्किल से वो इस बात पर तैयार हुआ कि आधा कुआं मैं आपको बेचूंगा। तो उसके लिए जो है 12,000 दिरहम
है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दिया 12,000 दिरहम उस वक्त का, वो तय ये पाया कि एक दिन आपका रहेगा, आप जितना चाहें पानी लें, और अगला दिन मेरा रहेगा। तो जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्हों का दिन रहता था तो उस दिन वो मुसलमानों के लिए फ्री कर देते, तो मुसलमान खूब अच्छे से उसमें से पानी निकाल कर जमा कर लेते थे ताकि जो है अगले दिन ज़रूरत ना पड़े, फिर अगले के एक दिन बाद छोड़ करके फिर पानी लेते थे। तो जब यहूद ने देखा कि जो है यार ये तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, लोग जिस दिन ख़रीदना होता है उस दिन तो कोई पानी लेने नहीं आ रहा, तो फिर वो पूरा बेचता है उनको, फिर वो उसके लिए अलग से 8,000 दिरहम और देते हैं, यानी अब 20,000 दिरहम में ख़रीदते और उसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते। तो ये क्वालिटी सहाबा इकराम के अंदर थी, और वो आज हमारे एक मुसलमान भाई ने उसकी याद ताज़ा कर दी, 288 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा है और उसको मस्जिद बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आप और हम, हमारे और आपके अंदर ये जज्बा नहीं है, उनके अंदर ये जज्बा कहाँ से आता है मालूम है आपको? कुरान से आता है। कुरान की 2-3 आयतें मैं आपको सुनाऊँ, आप सुनेंगे आप भी तड़प जाएंगे कि अपनी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। एक आयत मैं सुनाता हूँ आपको, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ भी हकीकी नेकी को नहीं पा सकते, तुम लोग कभी भी जो एक्चुअल नेकी है उसको नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में ना खर्च कर दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो उसको अल्लाह ताला जानते हैं, जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो जानते हैं। तो ये आयतें ना सहाबा इकराम को तड़पाती थी, इसलिए वो लोग अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, और यही आयतें आसिफ अजीज़ जैसे लोगों को भी तड़पाती, लेकिन हमको और आपको नहीं। एक दो और आयतें मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह बकरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, कि है कोई तुम में से जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे और बदले में फ़युज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, और फिर अल्लाह ताला उसको जो है कई गुना बढ़ा करके लौटाए। ये आयतें जो चालाक मोमिन होता है, जो वाकई मोमिन होता है, उसके लिए ये आयतें जो है ना उसको अपील करती हैं कि वो अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह को दे डाले। एक जगह और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 267 में, या अय्युहल लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यबात, क्या लोगों जो ईमान ले आए हो तय्यबात को, अच्छी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जो महबूब चीज़ें हैं, जो पाकीज़ा माल हैं, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, तब आदमी हकीकी जो नेकी का मज़ा पाता है। तो ये तो सहाबा इकराम थे, तो बेचारे क्या क्या, इस पर मेरी एक वीडियो है माली कुर्बानी के नाम से, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, इस पर मैंने तफसील से वीडियो बनाई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जज्बात हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र करें, और हमारे अंदर भी वो लगन, वो जज्बा और वह मोहब्बत पैदा हो कि हम भी अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकें। आमीन। वाखुदा वाहिद।